अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ, काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट किए जाने पर चिकन टिक्का कढ़ाई। चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे चिकन, जिसके मैंने टिक्के के पीसेस करवाए हुए, यानी कि छोटे जो कढ़ाई के पीसेस होते हैं आप वो कर लेते हैं। और सबसे पहला काम आपका जो है, जो मैं यहाँ प्रायोरिटी कर चुकी हूँ, वो ये है कि आपने खुला पानी, यानी कि इनफ पानी होना चाहिए कि जिसमें चिकन जो बिल्कुल नीचे तक होनी चाहिए पानी के। इसमें आप ऐड करते हैं वाइट डिस्टिल विनेगर, जो आपको मिलता है ईजिली सुपर स्टोर या एशियन शॉप से। सिरका यानी कि आप वो डालते हैं, और नमक। इसे आप सिर्फ 5 मिनट यहाँ पर रहने देते हैं। चिकन ऑलरेडी पहले आपने वॉश कर लेना है, और विनेगर यानी कि सिरका और नमक डालकर आप इसको 5 मिनट देते हैं, और इसके बाद हम दोबारा इसे ड्रेन कर लेंगे और चिकन को दोबारा वॉश कर लेंगे। ये काम मेन यहाँ पर मैं कर चुकी हुई हूँ। उसके बाद जो आपको चाहिए होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 रोज मैंने बनाई हुई है। ये वाली जो है ये चिकन टिक्के को मैरिनेट करने के लिए, और दूसरा जब हम कढ़ाई बनाएंगे उसके मसाले के लिए। चिकन हो गया, बता दिया आपको। यहाँ पे इसमें आप ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, जो आपको मिल जाती है सुपर स्टोर वगैरह से, डबल क्रीम है। दही यानी कि योगर्ट, मैं ग्रीक इस्तेमाल करती हूँ, आपको हमेशा बताती हूँ रीजन, मसाला गाढ़ा बनता है। मैं इसे बना रही हूँ देसी घी में, तो आपकी मर्जी, आप इसे ऑयल में बना लें अपनी चॉइस पर। लेमन जूस यानी कि आपको चाहिए होगा बॉटल्ड या फ्रेश, फ्रेश का ज़्यादा जायका होता है। कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि क्रश रेड चिली, कोरिएंडर सीड्स यानी कि साबुत धनिया, क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड चिली पाउडर यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें जो होती हैं पिसी हुई सॉरी, और नमक यानी कि सॉल्ट। ये हो गया हमारा टिक्के के लिए। यहाँ पे जो हमने इसकी कढ़ाई बनानी है, उसके लिए आपको चाहिए होगा टमाटर यानी कि टमाटोज, फेनिग्रिक लीव्स यानी कि सूखी मेथी जो होती है, फ्रेश जिंजर आपको चाहिए जूलियन, इसको आप काट लेंगे, बुलेट ग्रीन चिली इस्तेमाल कर लें या बारीक, आपकी अपनी चॉइस है, कुटी हुई लाल मिर्चें दोबारा, क्रश रेड चिलीज, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, दोबारा यहाँ पर आपको चाहिए होगा कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया की सीड्स, जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, हल्दी यानी कि टर्मरिक, सॉल्ट यानी कि नमक। अब आपको दिखाते हैं कि हमने इसको मैरिनेट करना है किस तरह, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर ये कि फ्राइंग पैन जो है बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। इसमें हम डालेंगे जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स और कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया के सीड्स साबुत, और आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि आप देखेंगे जीरे का रंग भी चेंज हो जाएगा, साथ ही जो है कोरिएंडर सीड्स ये भी थोड़े से कलर में आते हैं, बड़ा खूबसूरत सा इसका अरोमा आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद हमने इसे बीच में से निकाल कर इसको दरदरा कर लेना है, पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा इसको मोटा मोटा जो है आप इसको कर लेंगे तो इसको ज़रा थोड़ा सा गोल्डन हो जाने का। यहाँ पर आप देख लें कि चिकन जो मैंने आपको दिखाया था कि आपने खुले पानी में रखना है, विनेगर यानी कि सिरका और नमक डाल करके आपने इसको रखना था 5 से 6 मिनट तक, ठीक है। वो जब आप उसका टाइम पीरियड हो जाता है आप वो पानी को डिस्कार्ड कर देते हैं, और दोबारा इसको आप थोड़े से पानी के साथ वॉश करते हैं, पानी ड्रेन होने देते हैं, और चिकन दोबारा यहाँ पर मैंने बोल में रख लिए। जो मैंने ड्राई रोस्ट किया था कोरिएंडर सीड्स और क्यूमिन सीड्स, उन्हें मैंने अच्छी तरह रोस्ट किया और इसे ग्राइंड कर लिया दरदरा, यानी कि पाउडर में नहीं लेके आना। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चिकन की करेंगे मैरिनेशन। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, कुटी हुई रेड चिली यानी कि क्रश रेड चिली, लेमन जूस जा रहा है बीच में, और जो हमारे ड्राई हमने रोस्ट करके इसको ग्राइंड कर लिया था मसाला, साथ ही जाएगा इसमें योगर्ट। आई हैव ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है अपने हाथों का, और जा रही है इसमें डबल क्रीम जो आपको बहुत इजीली मिल जाती है सुपर स्टोर वगैरह में, जब आप आयल में जाते हैं फ्रिज के तो उसमें होती है ये। उसके बाद अब क्या करेंगे, हाथों का इस्तेमाल करेंगे और इसको आप अच्छे से जो है मिक्स कर लें तमाम चीज़ों को, और आप इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे फॉर अबाउट 30 to 40 मिनट्स ताकि अच्छी तरह मैरिनेशन हो जाए। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। चिकन को हमने किया मैरिनेट, कवर किया और उसे रख दिया है फ्रिज में 30 to 40 मिनट्स के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने उसकी कढ़ाई का मसाला बनाना है, उसके लिए जो आपको मैंने बताया था कि आपको कोरिएंडर सीड्स चाहिए होंगे और ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, इन्हें भी आपने ड्राई रोस्ट करना है और दरदरा सा दोबारा हम इसे
जो है ग्राइंड करके रख लेंगे। मैरिनेशन की 30 टू 40 मिनट्स हमने इसे रखा फ्रिज में कवर करके। देखिए क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन टिक्का कढ़ाई, बिल्कुल हटकर डिश है, यहाँ पर आपको ऑप्शन है, आप इस मैरिनेशन को चिकन के साथ में फ्राई कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, अवन में इसको आपको कर सकते हैं या फिर बारबेक्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों की लाइफ इजी करने के लिए जो आपको दिखाने जा रही हूँ वो ये कि तमाम चिकन को मैरिनेशन के साथ मैं एक सादी हांडी में डाल करके इसको तब तक कुक करूँगी जब तक कि सारा जितना भी मॉइस्चर है बीच में से ड्राई हो जाएगा और चिकन जो है सिर्फ वो खाली रह जाएगा मसाले के साथ। तो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट कैसे इसको करना है। ये देखें, ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट होगा, यूनिक होगा, इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको कुछ इस तरीके से करती हूँ और एंड में मैं जो है इसमें जब कढ़ाई बन जाएगी तो मैं एक कोयले का धुआं दे देती हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो वो आप बेशक ना दीजिए, मैं आपको काफ़ी वीडियोज़ में बता चुकी हुई हूँ। तो ये है कि जितनी भी मैरिनेशन थी चिकन के साथ मैंने एक खाली हांडी में डाला है, इसमें कुछ नहीं डाला, कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं। अब ये चिकन में जैसे ही जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और कुक करेंगे मीडियम पे रखकर जब तक ये तमाम मैरिनेशन का जो पानी है खुद का और चिकन जो पानी छोड़ेगा वो ड्राई हो जाएगा। तो आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी, वो हमारा मेन काम यहाँ पर हो जाता है जो टिक्के के लिए होता है और बाकी कढ़ाई का जो मसाला बनेगा वो बाद का प्रोसीजर होता है। जोश आने दें, कवर कर लें मीडियम पे रख के फिर आप इसे कुक करेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि इसमें आ गया है अब जोश। जोश आ जाने पर इसे हम करेंगे कवर, मीडियम पे रख कर आप इसे कुक कर सकते हैं। वजह वो ये है क्योंकि हमने इसमें मैरिनेशन के लिए काफ़ी चीज़ें लगाई हैं, जैसे पहले वॉश करने से पहले इस पर नमक लगाया गया, सिरका लगाया गया, फिर उसके बाद में इसमें ऐड किया गया दही, लेमन जूस और क्या इसका नाम है, नमक डाला है। तो मैरिनेशन इसकी काफ़ी हो चुकी हुई है, मीडियम पर इंशाल्लाह ये जल्द ही कुक हो जाएगा। देखें कितना इसमें पानी ज़्यादा है, देखिए मैं बना रही हूँ इसको यहाँ पर ज़्यादा। जब आप मेरी फुल रेसिपी के लिए जब आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इसकी हाफ क्वांटिटी अगर है तो उसमें कितने मसाले डालते हैं और एंड ऑन एंड ऑन जिस तरह भी रेसिपी होगी आप देख लेंगे। पानी सारा इसका ड्राई हो जाना चाहिए, कवर कर लें मीडियम पर रख के और फिर आपको साथ दिखाऊँगी कि हमने बाद में क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें जितना भी बीच में मैरिनेशन के लिए लिक्विड था, दही का, क्रीम का, चिकन का पानी जो खुद उसने छोड़ा, तमाम ड्राई हो चुका है। चिकन 100% कुक होगी। जो आप ऑयल देख रहे हैं मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, जस्ट टू लेट यू नो जो क्रीम होती है वो खुद जो उसका एक बटर सा निकलता है ये वो है। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक होता है। इसमें देखिए आपका मसाला भी जो है कोई ज़ाया नहीं हुआ मैरिनेशन का, वरना होता ही अगर आप उसे बारबेक्यू करते हैं, ग्रिल करते हैं, अवन में डालते हैं तो मसाला जो इसका हमेशा ज़ाया हो जाता है। मैं आप जानते हैं कि कुछ भी मैं ज़ाया करना पसंद नहीं करती हूँ। ये डन हो गया, चूल्हा हम कर रहे हैं यहाँ पे बंद और इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बोल में। पहले क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन टिक्का कढ़ाई तो टिक्के का ज़ाहिर सी बात है फ्लेवर तो हमें लेके आना है। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर, ये भी आपके लिए एक ट्रिक है और एक टिप भी है, बीच में थोड़ा सा फॉइल डालेंगे। कोल मैंने यहाँ पर कर लिया हुआ है गर्म, जिससे मैं उठा करके डालूँगी, बहुत ध्यान से प्लीज़, बीच में। और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल, ये देखें ऑयल डाल दिया, कवर कर देंगे। उसमें क्या है कि जितना भी कोल का जायका होगा वो चिकन में आ जाएगा और ये इसको एक ज़बरदस्त इफेक्ट दे देता है जो कि बारबेक्यू का होता है। ये काम हो गया, इसे एक साइड पर रख लेते हैं। अब हम तैयार करते हैं कढ़ाई, क्योंकि ये कढ़ाई भी है, इसमें हम कढ़ाई का मसाला किस्सा बनाएंगे। जब तक चिकन के अंदर में हम इफेक्ट दे रहे हैं बारबेक्यू का, अब हम कर रहे हैं कढ़ाई की तैयारी। उसी हांडी में मैंने घी, क्योंकि मैं देसी घी में बनाई हूँ, बेशक ऑयल में बनाएं, बटर में, आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ पर मैंने गर्म कर लिया हुआ है। इसमें मैं स्ट्रेट अवे ऐड करूँगी जो मेरे टमाटर के पीसेस हैं। आपने इन्हें मोटा मोटा ही डालना है, कोई ऐसी बात नहीं, आप आगे देखेंगे किस तरह हम इसको हांडी करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से आप इसको करेंगे मिक्स और सिर्फ 1 से 2 मिनट आप देंगे इसे फिलहाल हाई फ्लेम पे और फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना। यहाँ पर आप देख लें तेल हो चुका है गरम, ठीक है, 2 मिनट हमने इसको सिर्फ दिए और उसी 2 मिनट में अगर आप देखें गौर से तो जो टमाटोज है इसके ऊपर से स्किन ऑलरेडी, ये देख रहे हैं आप कितने आराम से पील ऑफ हो रही है। तो हमने करना ये है, यहाँ पर अदरक लहसुन और टमाटो डालने के बाद 2 मिनट के बाद आप इसमें ऐड करेंगे पानी, ये देखिए पानी चला गया। इसे अब आप करेंगे मिक्स और हाई फ्लेम पर रखकर आप इसको तब तक कुक करेंगे कि जब तक कि आप देखेंगे कि जो टमाटो का जो स्किन है वो खुद ब खुद ऊपर से पील ऑफ हो जाएगा और वो हमने निकाल लेना है। उसका प्लीज़ ख्याल रखिएगा
और टमाटोज को हम अच्छी तरह इसी हांडी में चमचे के साथ हिला हिला करके मैश कर लेंगे, पानी ड्राई हो जाएगा और स्किन इसका निकाल लेंगे। तो इस पर आप जो है जोश आने दें, कवर डालें, हाई फ्लेम पे कुक कीजिएगा। पास आपने यहाँ पे खड़े रहना ताकि नीचे से कोई चीज़ लग ना जाए। तो ये है कि ये कर लेते हैं, फिर आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। अब देख लें अभी भी ये फुल फ्लेम इसकी हाई है। अब देखिए कितने खूबसूरत तरीके से टमाटर जो है यहाँ पर गल रहे हैं और स्किन जो है देखें इसकी कितनी आराम से जो है अलहदा हो जाती है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये भी बता सकती थी कि आप इसे अलग पानी में बॉईल करें, लेकिन देखिए हम चाहते हैं कि फुल जो टमाटोज का जायका है वो सालन में ही रहना चाहिए, तो मैंने इसलिए ये प्रोसीजर इसमें इस्तेमाल कर लिया है। ये देख लें, तो ये है कि मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि आपने इस तरीके से इसके जो हैं छिलका इसका आप निकाल लेंगे और बहुत आसानी से आपको नज़र आ जाएगा कि जितने भी इसका स्किन जो होगा रिमूव करने के लिए। और अब हमने इसको सिर्फ तब तक को करना है जब तक कि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाएगा और टमाटर बिल्कुल गल जाएगा और परफेक्टली जो है थिकनेस में। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी लम्स हैं, तो हमने सिर्फ मेक श्योर करना है कि ये लम्स बिल्कुल टमाटर के ख़त्म हो जाएं और ज़बरदस्त इसका सॉस बन जाए। यहाँ पर आप देख लें परफेक्टली टमाटर गल चुके हुए हैं, एक्सेसिव पानी ड्राई हो गया और स्किन देख लें कितनी आसानी से निकल गया, क्योंकि वो ऊपर ऊपर बिल्कुल आपकी जो होता है सॉस उसके ऊपर आ जाता है। अब आपने क्या करना है, फ्लेम अभी भी हाई पर है, इसमें आप ऐड करेंगे हल्दी, मैं टर्मरिक, क्रश्ड रेड चिली, चिली पाउडर, सॉल्ट यानी नमक, और जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे उसके बाद इसे ग्राइंड कर लिया दरदरा सा, दैट्स कोरिएंडर सीड्स एंड क्यूमिन सीड्स, ये ऐड कर लिया। अच्छे से इसको अब करेंगे मिक्स, और मिक्स कर लेने के बाद यहीं पर अब हम ऐड करेंगे जो हमारा चिकन है जिसे हमने ऑलरेडी कुक कर लिया, कोयले का धुआं दिया उसे हमने ताकि जो है बारबेक्यू का इफेक्ट आ जाए। इसी में अब हम इसको करेंगे ऐड ताकि तमाम चीज़ें अब यहाँ पर इकट्ठे ही पकेंगी और उसमें ये होगा चिकन तो 100% हो चुका हुआ है। तो ये किससे हम चाह रहे हैं कि जो टमाटर वगैरह है इसका भी मसाला जो है अच्छे से चिकन के साथ मिक्सअप हो जाए। इसे कर लें अच्छे से पहले आप मिक्स और फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा सा हमने पहले इसको किया मिक्स, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमारे पास जूलियन जिंजर है हमने सारा नहीं डालना, सारा से थोड़ा सा बिल्कुल जो है हम छोड़ देंगे। ये देख लें जस्ट अबाउट टी स्पून सो फॉर गार्निशिंग के लिए। जो हमारी बुलेट ग्रीन चिलीज हैं वो डाल दें स्लाइस करके, और जो कसूरी मेथी है ड्राइड फेनुगिक लीव्स इसे आप यूँ हाथ से मसल के डालेंगे तो ये इक्वली जो है बिल्कुल क्रश हो जाती है। ये देखें चला गया, अच्छे से इसको आप करें मिक्स और इसको आप लो टू मीडियम पर रख के सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने इसको सिमर होने देना है ताकि जितनी भी चीज़ें अच्छे से अभी यहाँ पर ये मिक्सअप हो जाएंगी, पक जाएंगी और हमारा जो है चिकन टिक्का कढ़ाई तैयार हो जाती है। तो ढक्कन डाल दें, लो टू मीडियम पर रखें और 2 से 3 मिनट दे देते हैं। 2 से 3 मिनट सिमर कर लेने के बाद यहाँ पर आपकी चिकन टिक्का कढ़ाई तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फुल रेसिपी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे ताकि आपको रिटन और वीडियो दोनों मिलती है। वहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए ज़रूर बनाइएगा, नान के साथ बनाएं, रोटियाँ जिससे आपका दिल चाहे। बताएं आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।